अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक हैं? अच्छा, यहाँ से मेरी होती है क्रूज़ की जर्नी स्टार्ट। ये एक पीएनओ क्रूज़ लाइन है जो डिफरेंट लोकेशन पे क्रूज़ लेके जाती है। यहाँ से अब मैं कह रहा हूँ बोर्डिंग, जस्ट लाइक एयरपोर्ट। यहाँ से बोर्डिंग करके आप फिर क्रूज़ के अंदर एंटर होते हैं। अच्छा, क्रूज़ के अंदर एंटर होते ही ना आपको ऐसा लगता है कि आप किसी 5-स्टार होटल के अंदर एंटर हो रहे हैं। मतलब इतनी अच्छी वाइब है उसकी, और एंटर होते ही आपको आपकी पहला रिएक्शन ये होता है कि वाह यार कमाल। मतलब लगता ही नहीं है कि आप किसी क्रूज़ के अंदर एंटर हो रहे हैं। और ये भी कोई नेक्स्ट लेवल क्रूज़ नहीं है, ये जस्ट एक नॉर्मल सी क्रूज़ है। बट फिर भी एंटर होते ही, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो देखते ही मैंने कहा वाह यार कमाल यार, क्या इन्होंने अंदर अरेंज किया हुआ है। अच्छा, यहाँ से अब मैं एंटर होता हूँ अपने रूम के अंदर। रूम में हर चीज़ अवेलेबल है, और रूम भी काफ़ी स्पेशियस है। साथ टीवी है, बेड है, ड्रेसिंग टेबल है, कबर्ड प्रोवाइड किया हुआ है उन्होंने, और उसके साथ वॉशरूम भी अच्छा है। मतलब हर चीज़ रूम में ना बड़ी कन्वीनियंट और कंफर्टेबल है। जैसा कि वॉशरूम देख सकते हैं, अच्छी स्पेस है, वॉशरूम में शावर भी है। अच्छा, चेक इन करते सारे ऊपर आप आते हो सबसे 16th फ्लोर, अच्छा स्कूल के 17th फ्लोर्स हैं, तो ये 16th फ्लोर पे आते हो। एक पूल है, सोनाज है, यहाँ पे एक्टिविटीज़ स्टार्ट, वेलकम कह रहे थे सब एक दूसरे को। और उसके बाद फिर भूख बड़ी लग रही थी, फिर मैंने किया लंच। लंच में 3-course meal था, तो खाना काफ़ी मज़े का था, मज़ा आया खाने का। डिफरेंट कुजीन ट्राई किया यहाँ से, जो यूजुअली हम लोग खाते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट ट्राई किया, मज़ा आया, अच्छा लगा। और बड़ा पीसफुल माहौल था, साथ विंडो सीट थी, सी का व्यू नज़र आ रहा था, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा खाने का। उसके बाद डेज़र्ट ऑर्डर किया, डेज़र्ट में भी पेस्ट्री थी जो कि बहुत अच्छी थी, मज़ा आया खाने का। अच्छा, ये यहाँ पर फ़ोटोशूट हो रहा था, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे अपनी थोड़ी सी फोटोज़ वगैरह ले लें। यहाँ से स्टार्ट होता है प्ले एरिया, इनका एक प्ले चल रहा था, एक गेम चल रहा था, ये पिंगो गेम कहते हैं। यहाँ पे प्राइजेस के लिए गेम खेलते हैं। एक बड़ा सा एडिटोरियम टाइप था जहाँ पे सब लोग गेम खेल रहे थे। यहाँ से फिर मैं कसिनो आता हूँ, तो उसके अंदर ये कसिनो भी था, वहाँ पे लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। काफ़ी बड़ा था कसिनो भी, सब बार था इसके, ये कैशियर ऑफिस था, और ये देख सकते हैं लोग सब आते, सारी क्रूज़ में खेलना स्टार्ट कर दिया है। क्रूज़ के पैसे इन्होंने यहाँ से पूरे करके जाने। खैर, ये एक आर्केड गेम एरिया, यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट किस्म की बच्चों के लिए और बड़ों के लिए गेम्स थी, तो हर टाइप के हर एज के लोग यहाँ पर खेल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से फिनिश करके क्वाइट और पियानो एरिया था, यहाँ पे लाइट म्यूजिक चल रहा था। बेसिकली ये मिडल एज या बूढ़े लोगों के लिए था, रिलैक्स कर रहे थे बैठ के, पियानो सुन रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, खैर बैठा इन्जॉय किया, काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद यहाँ से गए क्लब, जो कि मेरे लिए नहीं था, क्योंकि क्लब है यहाँ पे लोग सारे ड्रिंकिंग कर रहे थे, डांस कर रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे बेसिकली। और यहाँ से थोड़ी देर बैठ के फिर मैं बाहर गया क्रूज़ के, थोड़ा सा वेदर इन्जॉय किया, काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी, काफ़ी मज़ा आ रहा था। उसके बाद यहाँ से फिनिश करके क्रूज़ थोड़ी सी बाहर से एक्सप्लोर की, वॉक वगैरह की, और यहाँ पे बहुत अच्छा दिन फिनिश।